वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग्स। आज मैं निकला हूँ खेत से होते हुए एक बहुत ही अनूठे जगह पे, ये राधा स्वामी चंद्र व्यास पार्क है और काफ़ी शानदार जगह होने वाला है। मैं तो फाइनली हम मज़ार पर पहुंच चुके हैं और ये आपको बाहर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस साइड का अपोजिट, यहाँ पे विंडो दिया हुआ है, मज़ार के अंदर का सीन बाहर से देख सकते हैं और ये वहाँ के मुजाबर और ये ट्रांसफार्मर है, इस बहुत ताड़ पर बसा हुआ है ये। और ये जो देख रहे हैं आप परचम है, ये सीता चक का एकमात्र मज़ार। और अब आपको दिखाने वाले हैं हम, ये देखिए ये मेन गेट है, यहाँ से लोग अंदर जाता है फातिहा वातिहा पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैं फातिहा पढ़ रहा हूँ, ये अभी फातिहा पढ़ रहा हूँ और अब फातिहा पढ़ लिया हूँ लगभग। और ये मुजावर बैठे हुए, यहाँ पे सारे लोग, बाहर से ही जाने का है। ये पिछला गेट था और ये जो है यहाँ पर ये असलम साहब बैठे हुए, ये मैं शिरनी बटता हुआ, ये मैं भी लिया, मेरा ही शिरनी था ये। और ये अंदर का सीन आप देख पा रहे हैं। और अब मैं फातिहा पढ़ लिया हूँ, फातिहा पढ़कर मज़ार के अंदर से बाहर निकलता हुआ और यहाँ पर से निकलकर बाहर आया। बाहर आने के बाद यहाँ पर दान पेटी था, यहाँ पे दान मैंने दिया दान पेटी में। और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो अदर कास्ट की, अदर रिलीजन की है, वो महिलाएं बहुत ज़्यादा आस्था रखती है इसमें। और बिल्कुल ताड़ पर बसा हुआ है, बहुत किनारे में बसा हुआ, पूरे खेत खलिहान के बीच में बसा हुआ है और उसी बीच में एक मज़ार है। ये मज़ार मुस्तफ़ा शाह बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो मज़ार है यहाँ पर। और आज के दिन मतलब जुमा के दिन काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मन्नत मन्नत मांगते हैं, वो सारे कबूल।